हेलो बच्चा पार्टी, इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी एक्चुअली थ्री टाइप्स की हुआ करती थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। तो हमने इन तीनों के डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स भी देखे थे। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कूलम्स लॉ। अब बच्चा पार्टी, ये जो कूलम्स लॉ है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अच्छे से ध्यान रखना, फोकस यहीं पर होना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। अब ऐसा देखा जाता है कि जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी न किसी को रेफरेंस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो बेसिकली ये जो कूलम्स लॉ है उसे हम कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिकल चार्ज, या तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका लो हमने दिया था कूलम्स ने, इसीलिए इसको कहा जाता है कूलम्स लो। बट याद रखे बच्चा पार्टी कि ये जो कूलम्स लो है या तो कूलम्स ने इस लो को देने के लिए न्यूटन्स ग्रेविटेशन लो को रेफरेंस बनाया था, बेस बनाया था, ठीक है। कैसे बनाया था चले देखते हैं। बच्चा पार्टी, हम ग्रेविटेशन चैप्टर्स में देख क्या है कि जब हमारे पास कोई दो मास अवेलेबल होते, सपोज हम नोट करते यहाँ पे मास है M1, यहाँ पे मास है M2, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन से R, राइट। एट दैट मोमेंट हमने देखा था कि यहाँ पे, मतलब कि इन दोनों मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मास, यानी कि हम लिख सकते हैं Fg इज प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2, राइट। और साथ ही साथ हमने देखा था कि ग्रेविटेशन फोर्स इज inversely proportional to square of the distance between two mass, यानी कि इसके बीच का distance अगर r था तो हम लिखेंगे कि Fg proportional to 1/r², right? और हम यहाँ पे निकाल देते Fg proportional to m1 m2 upon r square, right? बच्चा पार्ट, ये था हमारा ग्रेविटेशन लॉ जिसे न्यूटन ने दिया था। अब कूलम ने क्या किया कि इस ग्रेविटेशन लो को बेस बनाते हुए दो पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के बारे में हम प्रीवियस क्लास में ही डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। तो मुझे ज़्यादा बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए, तो ये दो पॉइंट चार्ज जिसके बीच का सेपरेशन से आर, तो कूलम ने इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यानी हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r². और अगर हम इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square, right बच्चा पार्टी। तो ये आ गया हमारा कूलम्स लॉ। तो देखा आपने, कूलम्स लॉ ने सेम टू सेम ग्रेविटेशन लॉ को बेस बनाया और पूरा लॉ प्रूव कर दिया, ठीक है। और बच्चा पार्टी, एज फॉर योर नॉलेज आपको बता दूं कि जब कूलम्स ने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लॉ दिया, एट दैट टाइम चार्ज को मेजर करने की कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं थी, मतलब कि जब उसने ऐसा लॉ बनाया तब हम चार्ज को मेजर नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए कूलम्स को काफी इंपॉर्टेंस माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट। तो चले फटाफट से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं नोट करूंगा तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं पेन से लिखी हुई चीजों को मिटा दूंगा। यस, और स्क्रीनशॉट हो गया आपका, राइट। अब मैं रिमूव करता हूँ पेन वाली चीजों को, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, कूलम्स लॉ को राइट करेंगे। कूलम्स लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेंस का मतलब होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो टाइप्स का होता है, अट्रैक्टिव टाइप और रिपल्सिव टाइप। और हमने जब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखा था तब हमने स्टडी की थी कि अगर दोनों लाइक चार्ज हुए हैं तो उनके बीच रिपल्सन होता है, और अगर अनलाइक चार्ज हुए तो उनके बीच होता है अट्रैक्शन, राइट। तो हम लिखेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम,
राइट, ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। और साथ ही साथ उसकी डिरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी एक सेंटेंस दिया गया था, उसे भी देखते हैं कि एन एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। राइट, मतलब कि हमारा जो फोर्स होगा, सपोज हम आप ड्राइंग में देख सकते हैं हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके बीच का सेपरेशन से R, तो हम कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². राइट, तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला बनता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r². और बेसिकली अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल्स को हटाते हैं तो वहां पे रखते हैं हम कांस्टेंट K, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट। राइट, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट। तो इन दिस चैप्टर इस के को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बता दूं कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, सपोज कि ये जो चार्ज Q1 है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डिरेक्शन में लगेगा, और ये जो चार्ज Q2 है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डिरेक्शन में लगेगा। तो आप नोट कर सकते हैं कि जो दोनों फोर्स होंगे वो एक ही लाइन पे होंगे। राइट, इसलिए इसे कहा जाता है कि एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, मतलब इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन पे ये फोर्स जो है वो एक्ट करता है। राइट बच्चा पार्टी, चलिए। कभी कभी हम K की जगह पे फॉर्मूला यूज करते हैं K इज इक्वल टू 1/4πε₀, वेयर ε₀ इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बच्चा पार्टी काफी ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि काफी ज्यादा बच्चे सोचते हैं कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा, ना तो हमारी रेफरेंस बुक में दिया होता है ना तो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया होता है। तो जरा ध्यान देना, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या नोट किया था कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब हम पहले ये देखेंगे कि ये परमिटिविटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो उसे देखने के लिए हम एक ब्लैंक पेज यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यानी कि 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा मैग्नेट। राइट, और मैग्नेट के साथ साथ हमने स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, तो कि भाई हमने आपको याद होगा एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक पेपर लिया था उसके ऊपर लोहे का चूरा भुरभुरा दिया था, नीचे एक मैग्नेट रखा था, उसको जब हम नॉक नॉक करते थे तो वो एक परफेक्ट पैटर्न बनाते थे, उस पैटर्न को हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिमिलरली जब कोई एक चार्ज होता है, राइट, सपोज हम यहाँ पे चार्ज लेते हैं Q1, तो ये जो चार्ज है वो अपने आसपास के एरिया में कुछ इस प्रकार से फील्ड इंट्रोड्यूस करता है, फील्ड लाइंस इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे करेगा, फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, आउटर साइड में करेगा या तो इनसाइड में करेगा। ठीक है, ये फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है इन फ्यूचर हम अच्छे से पढ़ने वाले, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ने वाले। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से जो फील्ड लाइंस जाती है, सपोज एक दूसरा चार्ज हमने ले लिया यहाँ पे ये Q2, तो क्या होगा कि ये जो फील्ड लाइंस है वो सीधी इनके साथ कनेक्ट होगी। राइट, और क्या करेगी, इसको रिपल्सन करेगी, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, मतलब कि ये रस्सिया जो है वो कुछ इसे इस तरफ धक्का मारने की ट्राई करेगी। यहाँ से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो फील्ड लाइंस है वो 100 थी। ठीक है, फील्ड लाइंस कितनी थी, 100, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 100 फील्ड लाइंस से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा था और उसको क्या कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। ठीक है, बट जैसे ही अगर हमने यहाँ पे कोई एक मीडियम रख दिया, सपोज कोई एक मीडियम रख दिया, राइट, तो अब ये जो मीडियम होता है वो क्या करता है कि जब यहाँ से ये मीडियम हमने रख दिया तो यहाँ से प्रोड्यूस तो होगी 100 फील्ड लाइंस, बट इस मीडियम के बाहर निकलते निकलते हमारे पास 100 की बजाय 40 फील्ड लाइंस ही बची। मतलब हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे रिपल्सिव जो फोर्स लग रहा है इस तरफ वो कितनी फील्ड लाइंस के कारण लगेगा, 40 के कारण। तो बाकी की फील्ड लाइंस कहाँ गई, तो हम कहेंगे कि बाकी की 60 जितनी फील्ड लाइंस इस मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है,
ये जो हमने मीडियम रखा था उसने क्या कर ली है, इस फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब किसी भी मीडियम की फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट। और अगर हम ऐसा करें कि 60 आउट ऑफ 100 यानी कि जो वैक्यूम था तो 100 जा रही थी, जब वो हटा लिया तो 60 मतलब 100 में से इस मीडियम ने 60 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट बच्चा पार्टी। तो ये हमने बात की परमिटिविटी के बारे में, और इस परमिटिविटी को इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन से। अगर मीडियम हुआ तो एप्सिलॉन एम, और अगर स्पेस हुआ तो एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट परमिटिविटी का। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा के इज इक्वल टू 1/4πε0 फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। तो ध्यान रखिए बच्चा पार्टी, हमने जो यहाँ पे ये मीडियम रखा था उसकी परमिटिविटी कितनी थी, 60। तो फोर्स कितना लगा, 40 फील्ड लेंस के कारण। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी परमिटिविटी 70 होती तो फोर्स कितने फील्ड लेंस के कारण लगता, 30। मतलब कि अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब जब भी हम फोर्स को और परमिटिविटी को कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे तो हम नोट करेंगे कि परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी फोर्स इंक्रीज होगा तो परमिटिविटी डिक्रीज होगी, परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशंस तो हमें मिल चुका था, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/εo, राइट। अब नोट करिए, एक चार्ज हमारा यहाँ पे था Q1, दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे था Q2। अब क्या हो रहा था, तो कि यहाँ से सारी डायरेक्शंस में फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी, ऐसे ऐसे करके सारी डायरेक्शंस जो है उसमें फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी, और सिमिलरली यहाँ पे भी फील्ड लाइंस काफी सारी डायरेक्शंस में से आ रही थी। सपोज ये सभी डायरेक्शंस में से फील्ड लाइंस आ रही थी, इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी। बट जैसे कि अभी अभी हमने कूलम्स लॉ देखा, तो कूलम्स लॉ में हमने एक चीज नोट की थी कि ये जो फोर्स है वो एक्ट ऑन द लाइन ऑफ टू जॉइनिंग ऑफ चार्ज, मतलब ये जो फोर्स है वो सिर्फ इस एक लाइन पे लगता है, राइट। तो याद रखिए बच्चा पार्टी कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो सभी डायरेक्शंस में से प्रोड्यूस हो रही है, बट हमारे यूज में आने वाले लाइंस कौन सी होगी, सिर्फ ये डायरेक्शंस वाली, ठीक है। तो हमें पता है कि यहां से यहां तक का जो पूरा एंगल होता है वो होता है 2π, ठीक है। और सिमिलरली इस चार्ज का जो भी एंगल होगा वो 2π होगा, राइट। तो टोटल डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हो गई है 4π, जिसमें से हमें सिर्फ इस एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बाकी किसी को हम कंसिडर करते नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पे 1/4π जितनी फील्ड लाइंस को ही यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2π जितनी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे भी 2π जितनी डायरेक्शन में से फील्ड लाइंस आ रही थी, बट एक्चुअली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला था उसके लिए सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन की फील्ड लाइंस रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या कर दिया, 2π इसकी डायरेक्शंस ले ली, 2π इसकी ले ली और उसको डिवाइड कर दिया टोटल, तो हमने मिल गया 1/4π, राइट। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें पता चला कि F प्रोपोर्शनल टू 1/4πε0, और जब हम F प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे तो हमने यहाँ पे जो हमने कॉन्स्टेंट रखा था K, उसकी ही जगह पे रख दिया के इज इक्वल टू 1/4πε0, राइट बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को ऑब्टेन किया गया था, राइट। तो चलिए फटाफट से, अगर आपने सीख लिया है तो आप जल्दी से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए पॉज करके, क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा नेक्स्ट के लिए। चलिए हो गया, ओके ग्रेट, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ओके। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं।
अब हम थोड़े से और स्टेप पढ़ने वाले हैं कि मोर अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की थोड़ी सी लिमिटेशन है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। उसकी पहली लिमिटेशन होती है कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। मतलब जब कोई दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो एट दैट टाइम कोई तीसरा चार्ज वहां पर रख दिया जाए तो फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, जो पहला फोर्स लग रहा था वो तो लगेगा ही लगेगा। राइट बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ होल्ड फॉर पॉइंट चार्ज। मतलब इस कूलम्स लॉ को हम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज हो, बड़े चार्ज के लिए ये लॉ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जैसे कि हमने पॉइंट चार्ज की कंडीशंस देखी थी तो हमने नोट किया था कि स्मॉल कंपेयर टू देयर सेपरेशंस, मतलब कि अगर कोई चार्ज का जो डायमेंशन है वो दो चार्ज के डिस्टेंस की कंपेयर में अगर छोटा सा हुआ तो हम उसे पॉइंट चार्ज एज्यूम करके कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है, कूलम्स लॉ होल्ड फॉर चार्ज एट रेस्ट और नियरली एट रेस्ट। मतलब कूलम्स लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा चार्ज स्टेडी कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में। मूविंग चार्ज के लिए कूलम्स लॉ नहीं होता, उसके लिए लेंज फोर्स अप्लाई किया जाता है, जो इन फ्यूचर क्लास हम देखेंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। कूलम्स लॉ होल्ड ओवर वाइड रेंज, मतलब कि ये जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, मतलब छोटे से छोटे डिस्टेंस, यानी कि एक फर्मी के लिए भी लगाया जा सकता है, और बड़े से बड़े डिस्टेंस यानी कि कई सारे किलोमीटर तक भी आप ये फोर्स को लगा सकते हैं। राइट, और हमने जो कांस्टेंट देखा था जिसे हमने नाम दिया था कूलम कांस्टेंट, उसकी सीजीएस यूनिट सिस्टम में वैल्यू होती है 1। और अगर यहाँ पे मैं यूनिट की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि इसका यूनिट होता है डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। राइट, याद रखिए सबसे पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू रखी गई थी 1 इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता था डायन, डिस्टेंस का यूनिट होता था सेंटीमीटर, और चार्ज का यूनिट होता था स्टेट कूलम। राइट, अगर इन सब वैल्यू को मैं ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने की ट्राई करूं तो मैं नोट कर सकता हूं कि एक डायन इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन। राइट, आपको भी याद होगा बच्चा पार्टी, एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर, पर उसका स्क्वायर है तो 10^-4 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय एक कूलम इज इक्वल टू 3×10^9 स्टेट कूलम। देयरफॉर एक स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3×10^9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए अगर हम इन सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट के, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, तो ये वैल्यू कहाँ से आए आपको पता चल गया। और सिमिलरली हमें इस के की वैल्यू मिल चुकी है, तो इसकी मदद से अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन जीरो को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πk। देखिए आपको 4 की वैल्यू आती है 4, पाई की वैल्यू 3.14 एंड k की वैल्यू में मिल चुकी है 9×10^9। अगर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मिल जाएगी, और उसकी वैल्यू होती है 8.85×10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, तो सारे के सारे जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एक वैल्यू को याद कर लेते हैं तो आपको सारी वैल्यू याद इजीली हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम चार्ज एज लार्ज एज 1 कूलम आर अनयूजुअल। बेसिकली हमें जब भी जरूरत होगी तो हम 1 कूलम चार्ज को यूज करेंगे। द माइक्रो कूलम इज ऑप्टन यूज, मतलब कि ये जो 1 कूलम चार्ज है वो काफी बड़ा यूनिट हो जाता है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, माइक्रो कूलम है, नैनो कूलम, पिको कूलम, ऐसे चार्ज के यूनिट को यूज करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मीडियम, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि फॉर वैक्यूम के का फॉर्मूला होता था के इज इक्वल टू 1/4πε₀। अगर मान लीजिए कि हमने दो चार्ज के बीच कोई मीडियम रख दिया तो फॉर मीडियम
के का फॉर्मूला होता था के इज इक्वल टू 1/4πε, राइट। और अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जिसे हमने नाम दिया था रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, रिलेटिव परमिटिविटी। और कभी कभी इसको कहा जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो कोएफिशिएंट, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो कोएफिशिएंट कहते हैं कैपिटल के, और उसका मीनिंग होता है रिलेटिव परमिटिविटी या तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ स्पेस, राइट। और इसकी वैल्यू सभी के लिए फिक्स होती है। सपोज मैं वैक्यूम के लिए बात करूँ तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, एयर के लिए बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1.005, बट अप्रोक्स हम कंसिडर कर सकते हैं 1, फॉर वाटर इसकी वैल्यू होती है 80, और फॉर मेटल, याद रखिए मेटल के लिए के की वैल्यू होती है इंफिनिटिव। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमने दो चार्ज के बीच कोई मेटल स्लैब रख दिया तो चार्ज के बीच कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटिव है, वो सारी की सारी फील्ड लेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट बच्चा पार्टी। तो आज के लेक्चर्स को हम यहाँ तक रखते हैं, इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम मिलेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।